आज के आत्म मंथन में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की 16 सितंबर 2020 तक की, आज हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं साहब, 17 सितंबर 2019 क्लोज्ड माइंड इज मोर हार्मफुल देन अ क्लोज्ड पैराशूट, विद वन यू जंप ओनली वंस बट विद अदर। साहब पैराशूट से आप कूदोगे ना और वो बंद है तो एक ही बार कूदोगे, काम हो जाएगा। पर अगर दिमाग आपका बंद है, खुले नहीं है, हर रोज आप जिंदगी में उसी बंद दिमाग के साथ चल रहे हो। समझदार को इशारा काफी। योर वर्क, यू वर्क बेस्ट व्हेन यू कीप इमोशंस असाइड। 17 सितंबर 2019। साहब मैं कई बार ये बात कहता हूँ, मुन्ना भाई MBBS में जो फिल्म के शुरू में वो कहता है ना कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो ये हाथ शायद कांप सकता है। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन दैट थॉट। जब एज एन एस्ट्रोलॉजर आई मिक्स माय पर्सनल इमोशंस इनटू एस्ट्रोलॉजी आई एम बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। या अगर आप मेरे को एज अ मर्म थेरेपिस्ट जानते हैं, अगर मैं इमोशनल होके चलूंगा तो शायद आपका सही इलाज नहीं कर सकता। मैं इमोशन इलाज से पहले और इलाज के बाद दिखा सकता हूं, कंसल्टेशन से पहले और कंसल्टेशन के बाद दिखा सकता हूं, बट नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। सिंपल। 18 सितंबर 2019, ये साहब मैंने बहुत साल पहले सुनी थी, फिर मैंने इसको ढूंढा समझा। अ स्ट्रेट लाइन मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक्चुअली फिजिक्स का कुछ फंडा है ये कि स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट्स नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट्स नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब हमें जो शॉर्टकट दिख रहा है वो शॉर्टकट नहीं हो सकता, वो हमारी जो शॉर्टकट दिख रहा है ना वो शॉर्टकट नहीं हो सकता, बस समझ लो। ठीक है, तो rather than opting for the shortcuts, opt for the right ways. सिंपल। ये अगला पॉइंट साथ ही लिखा हुआ आ गया, 18 सितंबर 2019, नो शॉर्टकट्स इन रियल लाइफ। हकीकत जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं चलते साहब, केवल उनका नुकसान है शॉर्टकट्स का। हकीकत जिंदगी में जो सही है वही करो। वो कभी कभी ना एक बड़ी थॉट सी फ्लोट होती है, व्हेन राइट इज नॉट राइट एंड लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट, व्हाट टू डू, एंड आई ऑलवेज आंसर, राइट इज ऑलवेज राइट। राइट इज ऑलवेज राइट, जो सही है वो हमेशा सही है। सही करो, सही करो। 19 सितंबर 2019, इंटेग्रिटी। मैंने शायद एक दो वीडियो पहले भी इस बात का जिक्र किया, प्रोफेशन कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, इंटेग्रिटी को मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेन करने में पापड़ बिलता है, पर मेंटेन किए रहें ये हमारे फायदे में है, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल। 20 सितंबर 2019, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। बड़े सारे मतलब है यहां पर इस खेल के।
पर यहाँ समझना यह है कि एक चीज़ को जब हम वक्त रहते या सही समय पर करते हैं तो उसकी अहमियत है, वक्त जाने के बाद उसकी अहमियत बदल जाती है। सिंपल। 21 सितंबर 2019 नो प्लेस और स्पेस फॉर ईगो, अहंकार अभिमान, ईगो, ईगो के लिए हिंदी वर्ड शायद अहंकार ही होता है, कोई जगह नहीं है साहब। जिंदगी, दुनिया बहुत छोटी है साहब, बहुत छोटी है, अहंकार को तो बिल्कुल कैरी मत करो, अपनेपन में रहो, अपनेपन के साथ जियो। 22 सितंबर 2019 फोकस ऑन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जो सही है वो सही है। अगर प्रायोरिटाइज करना ही है तो इस चीज पर ध्यान दो कि जरूरी क्या है, अर्जेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरी क्या है, ठीक है। कभी कभी अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के बीच में चूज करना पड़ सकता है, वहां पर अर्जेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ सकता है। मैं उस चीज़ के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस बना के रखो। तो साहब आशा करता हूँ आज के संवाद से, आज की चर्चा से, आज के आत्ममंथन से हम कुछ अच्छा निकाल पाए जो आपके मेरे जीवन में कुछ रचनात्मक सृजनात्मक बदलाव लेकर आएगा। आप लोगों का पता नहीं साहब, मैं तो अपने वीडियो खुद कई बार देखता हूँ, खुद अपने वीडियोस में देखता हूँ एंड एज अ स्टूडेंट देखता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड उस वक्त में करता हूँ जब मैं बिल्कुल एक जोन के अंदर होता हूँ। एक जोन में आने के बाद मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो खुद मुझे भी नहीं कई बार पता होता कि मैं उस जोन में क्या कह रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। बाद में सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ कि ये मेरा ही कहा है, हो जाता है मेरे साथ, तो ये चीज़ अजीब सी हो ही जाती है। चलिए साहब आशा करते हैं कि आज की चर्चा से कुछ अच्छा निकला होगा जो आपके मेरे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लेकर आएगा। जल्द मिलेंगे अगली किसी कड़ी में किसी और चर्चा के साथ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार, धन्यवाद।